ये सर मिल गया। हाँ तो मेरे को लेक्चर L1 L2 करके भेज देना ये। ओके मैं सर। नंबर ये एक काम करता हूँ, मैं नंबर ना मेरे को मैसेज करना, मैं फिर बताता हूँ किस नंबर पे भेजना है। सही है, जी सर। या मेरे नंबर पे भेज देना, कुछ नहीं होता, मेरे नंबर पे भेजना पर्सनली, ठीक या फिर मेरे को पहले मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा किस नंबर पे भेजना। सर। ओके सर। सेकंड कंडीशन है पाई लोन पेयर कौन आ रहा इंगेज, फिर पूजा? पाई लोन पेयर कंजुगेशन। एग्जांपल अभी मैंने लिया था विनाइल क्लोराइड का, तो मैं समझा दिया था पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर लोन पेयर है, इसलिए इस कंपाउंड में रेजोनेंस होगी। पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर लोन पेयर है, तो इसमें रेजोनेंस होगी। इस तरीके से ध्यान देंगे, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये हमेशा लोन पेयर डोनेट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इधर। और तुम्हें समझ आ गया ना ये पाई बॉन्ड लोन पेयर कैसे दिखाया मैंने? ये पाई सर एक बॉन्ड, टाइम सिंगल बॉन्ड और फिर ये लोन पेयर। आगे समझ के नहीं, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सो देयर विल बी रेजोनेंस इन दिस कंपाउंड। सर तो एक अब टाइम ये पे इलेक्ट्रॉन दोनों साइड डोनेट हो सकते हैं, दोनों साइड कैसे? मतलब पूरी चैन हो, बीच में सीएल हो तो। अभी दोबारा देखना है, पहले दो तीन एग्जांपल देखो फिर पूछना। CH2- आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CL और पॉजिटिव आ जाएगा। स्ट्रक्चर पहले बताओ, समझ आया कि नहीं कैसे बनाया मैंने? CL ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो पॉजिटिव चार्ज, इस वाले CH2 ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज, बीच वाले ने कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिए भी हैं, दिए और यहाँ पे लिए भी हैं, तो कोई चार्ज नहीं। नहीं समझ आया? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बहुत ढंग से लगाना, नहीं तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। एक बॉन्ड का ध्यान रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और ये बन गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। और इसको कोई चार्ज नहीं आएगा, मेन स्ट्रक्चर पे कोई चार्ज नहीं, ये हटा देना, ये मत लगाना इससे, देख के लगाना सर, गलती नहीं होनी चाहिए। अब देख लो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तुम लोग। सर सर रिजोनेटिंग मतलब जो ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर है, इसमें पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव नहीं आएगा? सर इसमें पूरा नेगेटिव पूरा पॉजिटिव लगाना, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं जब वो जो पार्शियल लगाते हैं ना, नहीं सर, वो वो नहीं जैसे कह रहा सी। मैं हाँ कह रहा हूँ जो लास्ट वाला अच्छा स्ट्रक्चर है दोनों का अच्छा हाँ इसमें रिजोनेंस दिखा आप। दे। हाँ, इसमें दिखा दे, इसमें दिखा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यस चलो ये पाई लोन पेयर का एक एग्जांपल दिया, सबको समझ आ गया कि नहीं? बोलो बोलो। सर ये लोन पेयर होता है हमेशा, मतलब जो मतलब ये डोनेट होता है, तो सर अगर सीएल के दूसरी साइड भी अगर एक कोई ज्वाइन होती कार्बन चेन, तो सर वो उसमें मतलब दो लोन पेयर रह जाते, तो एक लोन पेयर इस साइड तो एक लोन पेयर उस साइड भी दे देता। ऑर्गेनिक में कभी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, समझिए कि नहीं है। अब जैसे मैं ये ले लूँ स्ट्रक्चर, पर क्लोरेट आयन इस टाइप का इसमें हो सकता है, समझिए कि नहीं है, अब हो जाएगा यस इसमें। सर। और सीएल के लोन पे तो है नहीं ना, लेकिन तो हाँ अब ये ध्यान लोन रखना पेयर इसमें। खत्म हो गया। ओके चलो सर। अभी समझ आ गया कि नहीं है? आगे सर। तो ये पहला एग्जांपल लिया मैंने पाई लोन पेयर कंजुगेशन का, दिस वाज फर्स्ट एग्जांपल फॉर पाई लोन पेयर कंजुगेशन। इसको स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना है कि यहाँ पे था सीसीएल डबल बॉन्ड, सीसीएल सिंगल बॉन्ड, लेकिन एक्चुअल में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है यहाँ पे? एक्चुअल क्या सर? में यहाँ पे डबल, यहाँ पे सीसीएल सिंगल बॉन्ड था, स्ट्रक्चर बनाते ही यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। मेन स्ट्रक्चर में सीसीएल में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सर पार्शियल डबल बॉन्ड है डबल यार। बॉन्ड है, पार्शियल बॉन्ड है ना, तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें सीसीएल बॉन्ड का टूटना इन्वॉल्व है, तो उससे इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, ज्यादा होगी। अब कंपाउंड ज्यादा सेल हो गया, सीसीएल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हो गया, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो रिएक्टिविटी कम जाएगी। हो जाएगी, कम हो जाएगी, हाँ कम, कम हो जाएगी। ये बात समझ आ गई बात की नहीं? समझ आ गया कि नहीं? ये सर आपने यस सर। स्टेबल वाला क्या ठीक बोला था अभी? सीसीएल बॉन्ड अब स्टेबल हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। ओके सर।
समझ आ गया कि नहीं? आ गया सर। दोबारा समझना है, दोबारा पूछ लो स्ट्रक्चर ये। अब जैसे मैं एक सिमिलर स्ट्रक्चर दे दूं यहाँ पे, ये मैंने लिया था विनाइल क्लोराइड, क्या नाम था इसका? विनाइल, नाम याद रखना, विनाइल क्लोराइड। अब ऐसे ही मैंने सिमिलर स्ट्रक्चर ले लिया से विनाइल अल्कोहल टाइप का, तो इसके स्ट्रक्चर में बना लोगे ना, ये ओ सी एच थ्री लिया, सबको स्ट्रक्चर बना लोगे इसके कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ बना लो जल्दी से स्ट्रक्चर एक बार। बना दिया। चलो देखो इधर, फिर सबने बना लिया होगा। ओ के पास, ओ के यहाँ पे दो ही बॉन्ड बने हुए हैं। ओ के वैलेंस में चार छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 6 होता है ना, ओ के वैलेंस में छह इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसने दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, एक इधर और एक इधर, तो अब इसका चार इलेक्ट्रॉन रह गए। चार इलेक्ट्रॉन मतलब दो लोन पे डोनेट करेगा कंजुगेटेड सिस्टम की तरफ। इधर इधर कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है, कंजुगेटेड सिस्टम किस साइड है? पाई की तरफ। पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर लोन पेयर आ गए, समझे कि नहीं? पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर लोन पेयर, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो इसमें रेजोनेंस होगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इधर, देख के बनाना स्ट्रक्चर, गलती मत करना। सी एच टू माइनस सी एच डबल बॉन्ड ओ पे प्लस सी एच थ्री, ये बन गया स्ट्रक्चर इसका। हाइब्रिड में डबल बॉन्ड दिखा देंगे दोनों साइड, सी एच टू सी एच ओ सी एच थ्री, यहाँ पे बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो हाँ, तो ऐसे स्ट्रक्चर बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे इसका बनाओ जरा अगर पॉसिबल है तो। चलो बनाओ इसका, अगर रेजोनेंस पॉसिबल है स्ट्रक्चर बनाना, अगर रेजोनेंस पॉसिबल है तो स्ट्रक्चर बनाना है इसका। सर ये एन कोने वाला है या फिर कोने वाले कार्बन से अटैच है? नहीं, एन रिंग के अंदर है। सर बना लिया। बहुत अच्छे रजत, और किसी से बना लिया, गलती ना हो बिल्कुल भी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड, पता नहीं कितने क्वेश्चन आ गए इसके जेई एडवांस में। ग्वानिडिन नाम है इसका, ग्वानिडिन है ना, एक ग्वानिडिन एक और ले लेते हैं स्ट्रक्चर। चलो एक स्ट्रक्चर देख लेंगे किसका सही है किसका गलत है। ये एन है, एन के पास ये लोन पेयर, तो पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और ये लोन पेयर, इसीलिए इसमें रेजोनेंस होगी। पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो रेजोनेंस होगी। ये हटा दिया मैंने यहाँ से, ये हटा दिया, ये हटा दिया, अब रेजोनेंस हो रही है। ये देखो लोन पेयर गए कंजुगेटेड सिस्टम की तरफ और ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये बन गया स्ट्रक्चर इसका। प्लस आ गया और ये और नेगेटिव, कोई डाउट? नो सर। हाइब्रिड खुद बना लोगे। अब ग्वानिडिन के स्ट्रक्चर बनाने हैं, ग्वानिडिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बताओ उसके स्ट्रक्चर्स क्या बनेंगे। ये किसी का गलत तो नहीं हुआ था सिस्टर जो नीचे बनाया था मैंने? अब ग्वानिडिन के स्ट्रक्चर बनाने अगर पॉसिबल है तो। सर ऊपर वाले की स्पेलिंग क्या? जी यू ए एन आई डी आई एन ई, जी यू ए एन आई डी आई एन ई, ग्वानिडिन, इसके स्ट्रक्चर बनाने हैं। सर बना लिया। चलो ग्वानिडिन के स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें भी पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर और पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, दो जगह है पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ये रहा और लोन पेयर ये रहा, एक ये पॉसिबिलिटी और एक पाई बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड और ऊपर लोन पेयर, दोनों जगह है, तो दोनों से जगह से होगी रेजोनेंस, दोनों साइड से रेजोनेंस होगी। यहाँ पे देखो
ये इलेक्ट्रॉन गए इधर की तरफ, या तो ये लोन पेयर दे देगा, तो स्ट्रक्चर ये आ गया। और ये एज इट इज, और ऐसा भी होता था इलेक्ट्रॉन ये दे देता, ये गया और ये दे दे लोन पेयर, तो स्ट्रक्चर ये आ जाएगा। और इस थर्ड स्ट्रक्चर को मैं इससे भी बना सकता हूँ, इससे ये वाला भी बन सकता है, ध्यान रखना। जैसे ये इलेक्ट्रॉन गए ऊपर प्लस की तरफ, सर, और ये माइनस आएगा, हाँ एनएच पे माइनस आएगा, एनएच पे माइनस और एनएच टू प्लस, माइनस प्लस। सर आप अभी कुछ कह रहे थे, मैं कह रहा था ना जब इस वाले स्ट्रक्चर से भी ये स्ट्रक्चर बन सकता है नीचे। यस सर, शिफ्टिंग दिखाई हुई है मैंने, तो ये ग्वानिडिन है, एक स्ट्रक्चर और लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत बेसिक कंपाउंड होता है, ये प्रूफ करूंगा बाद में मैं, मोस्ट बेसिक कंपाउंड, जबकि देखते हुए लगता है कि इसमें रेजोनेंस हो रही है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं है, तो लोन पेयर नहीं है तो ये लीस्ट बेसिक होना चाहिए, बट इट इज वेरी बेसिक कंपाउंड, तो ये बाद में प्रूफ करूंगा, बाद में इसको मैं प्रूफ कर दूंगा, अभी तो मैं इसके स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ध्यान देंगे इधर इसके, देखो अगर पॉसिबल है तो, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये अभी, और ये बोर्ड के सिलेबस में भी है, सेमी कार्बाजाइड। बताओ इसका स्ट्रक्चर किससे मिलता जुलता है, किससे मिलता है इसका स्ट्रक्चर, सेमी कार्बाजाइड नाम है इसका। सर यूरिया से। बहुत अच्छे, बीच वाला एनएच हटा दो तो यूरिया बन जाएगा, सेमी कार्बाजाइड। किसने दिया आंसर, सर अखिल मित्तल। हाँ खेल सही है, सेमी कार्बाजाइड है ये, सेमी कार्बाजाइड। इसमें रेजोनेंस होगी कि नहीं, होगी सर, इसमें रेजोनेंस होगी। अच्छा तुम्हें से कोई भी रास्ता है कि मान लो ये फर्स्ट नाइट्रोजन है, ये सेकंड नाइट्रोजन है, थर्ड नाइट्रोजन है, विच नाइट्रोजन इज मोस्ट बेसिक। क्या सर, फर्स्ट वाला, विच नाइट्रोजन विल बी मोस्ट बेसिक। सर फर्स्ट, फर्स्ट, हाँ, क्योंकि उसके लोन पर बचेंगे, उसके लोन पर बचेंगे, बाकी दोनों के लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, तो उसके लोन पर बचेंगे, बाकी दोनों के लोन पे कहां इन्वॉल्व होंगे, रेजोनेंस में। ये देखो इधर, ये ओ इलेक्ट्रॉन लेके गया, अब या तो ये वाला नाइट्रोजन लोन पर दे सकता है या ये वाला, इसके तो बच जाएंगे ना, तो इसलिए ये मोस्ट बेसिक है, ध्यान देंगे। मान लिया ये इलेक्ट्रॉन गए इधर, इसने लोन पर दे दिए, तो ये आ गया एनएच टू, NH CO negative double bond NH2 plus, ये आ गया। और या लोन पर दूसरा भी दे सकता था, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाता, लोन पर ये दे देता, तो स्ट्रक्चर आ जाता NH2 NH plus double bond CO negative NH2। और इस वाले स्ट्रक्चर से भी, सेकंड स्ट्रक्चर से भी थर्ड बन सकता है, सेकंड स्ट्रक्चर से भी थर्ड बन सकता है, कैसे, ये इलेक्ट्रॉन गए इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर, तब भी बन जाएगा थर्ड वाला, समझ आया कि नहीं। सर एक चीज बोलो सर, ये जो सेकंड और थर्ड है, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा कंपैरेटिवली, ज्यादा स्टेबल कंपैरेटिवली, एक मिनट देख, इसमें हालांकि इतना कंपेयर कर नहीं सकते इसमें, फिर भी थोड़ा सा ये हो सकता है कि इसमें बीच वाले नाइट्रोजन पे प्लस है, बीच वाले नाइट्रोजन प्लस है, नाइट्रोजन है वो सर, माइनस आई भी तो लगा सकता है, तो सर वो बीच वाला सर अनस्टेबल नहीं हो जाएगा जब वो साइड वाला नाइट्रोजन उसको खींचेगा। हाँ तो हो सकता है, अब एक तो चांस था ये था कि ये वाला एन अपने लोन पेयर दे दे इसको, है ना, लेकिन वो होगा नहीं ऐसा, क्योंकि नाइट्रोजन के पांच बॉन्ड बनते नहीं कभी भी, तो ये वाला नाइट्रोजन लगाएगा माइनस आई अपना, ये नाइट्रोजन लगाएगा अपना माइनस आई इफेक्ट, और इसमें ऐसा कोई ऐसा इफेक्ट है नहीं माइनस आई वाला, तो कह सकते हैं ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा कम स्टेबल होगा, लेकिन इनका कंपैरिजन आएगा नहीं, चांसेस कम है। अभी क्लियर हो गए, पाई लोन पेयर कंजुगेशन, तो ये मैंने बताया पाई लोन पेयर कंजुगेशन, नेक्स्ट लेंगे पाई नेगेटिव कंजुगेशन, पाई नेगेटिव थर्ड टाइप कंजुगेशन है ये, पाई नेगेटिव कंजुगेशन, पाई नेगेटिव कंजुगेशन, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज होगा तो कंजुगेशन में आएगा, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज,
जो कंजुगेशन में आएगा ये रहा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू नेगेटिव, क्या इसमें रेजोनेंस होगी? यस सर, यस सर होगी। हाँ, स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होगी। हाँ, इसका नाम है एलाइल कार्बन आयन। क्या नाम है इसका? एलाइल कार्बन आयन। इसका नाम क्या है? एलाइल ए डबल एल वाई एल, एलाइल कार्बन आयन। तो उसमें रेजोनेंस होगी, शो कर लोगे कि नहीं? नेगेटिव को लोन पेयर की तरह मानना है। यस सर, करो शो। फिर कर लिया। चलो देखो इधर नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये आ गया नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, ये आ गया ना, दोनों सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, दोनों इक्वली स्टेबल है और ये बन गया रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या बन जाएगा? रेजोनेंस हाइब्रिड। कोई डाउट किसी को उसमें? No, तो ये पाई नेगेटिव कंजुगेशन है, पाई नेगेटिव कंजुगेशन। किसी को पूछना तो नहीं है इसमें कुछ? इसमें जो आपने लास्ट में नेगेटिव लगाया, ये बताना कैसे? एक बार मेन स्ट्रक्चर पे नेगेटिव चार्ज था ना इसमें, इसका मतलब है कि हर एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे लास्ट वाले कॉर्नर में, दोनों पे। आगे समझ के नहीं है? Yes, sir. ये दोनों स्ट्रक्चर तो सेम ही है ना, बस फ्लिप ही तो कर दिए एक तरीके से। हाँ, लेकिन स्ट्रक्चर तो बनेगा ना, यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर मैं कहूँ या यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड कहूँ, इस स्ट्रक्चर में तो डबल बॉन्ड है, इस स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है। एक्चुअल में क्या है, दोनों में ही डबल बॉन्ड है ना, वन एंड हाफ बॉन्ड दोनों में है, डेढ़ डेढ़ बॉन्ड दोनों में है। नहीं समझ आई बात? ये अब स्ट्रक्चर बनाना है तो ये था एलाइल कार्बन आयन, जानता नाम क्या है? एलाइल ए डबल एल वाई एल, एलाइल कार्बन आयन सी माइनस, एलाइल कार्बन आयन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाओगे इसमें इसी के पाई नेगेटिव कंजुगेशन में ही, इसका ट्राई करूं, ट्राई करो तो बेंजाइल कार्बन आयन, बेंजाइल कार्बन आयन। ये रे लिया, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बहुत, बेंजाइल कार्बन आयन बनाओ स्ट्रक्चर इसके, बनेंगे कि नहीं? सर बन जाएंगे, बनाओ जल्दी से। बन गए सर, सर बन गए, सर बन गए। चलो हो गए सर। सबने यस, देखो सर एक बार चेक कर लेंगे जल्दी से, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इधर, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, इससे कंजुगेशन था। अब ये नेगेटिव पूरा घूमेगा, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इधर, ये इधर, ये इधर, और ये आ गया स्ट्रक्चर इसका नेगेटिव चार्ज। समझ आया कि नहीं है? यस सर। सर एक चीज पूछनी थी सर, उल्टा घूमेगा तब भी तो बनेंगे? हाँ सर, उल्टा घूमेगा तब भी बनेंगे। उल्टा अब दोबारा घूमेगा ना अगर, हाँ तो सेम शिक्षक बनते जाएंगे वो। हाँ वो सेम बनेंगे, काउंट नहीं होंगे सर। हाँ
सर साइक्लोकार्बोनियम कौन से होते हैं सर, एक बार उनका स्ट्रक्चर बता दो क्या होता क्या है साइक्लोकार्बोनियम। यस सर बता रहा हूँ, साइक्लोकार्बन ये है ना, जैसे साइक्लिक फॉर्म में ले ले और ऐसे ले ले, कार्बोनियम बोला तो प्लस आएगा, कार्बन आयन बोलेगा तो नेगेटिव आएगा। ओके सर नेक्स्ट, समझ आ गया स्ट्रक्चर कि नहीं? ये यस सर। तो ये था पाई नेगेटिव कंजुगेशन, क्लियर? ये क्या है, पाई नेगेटिव कंजुगेशन, सही ना, पाई नेगेटिव कंजुगेशन हो गया। नेक्स्ट नोट करना है आगे, पाई पॉजिटिव कंजुगेशन, यहां तक समझ आ गया होगा। अब पाई पॉजिटिव कंजुगेशन, पाई बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा और पॉजिटिव चार्ज। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, स्ट्रक्चर बनाएंगे जल्दी से। अब तो पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, क्या रेजोनेंस होगी इसमें? यस यस सर होगी सर। हाँ ऐसे ये एग्जांपल लिया, क्या इसमें रेजोनेंस होगी? यस सर यस सर। इसका नाम है एलाइल कार्बोकैटायन, ऊपर है एलाइल ए डबल एल वाई एल एलाइल कार्बोकैटायन और इधर है बेंजाइल, ये बेंजाइल है पी एन जेड वाई एल, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है दोनों, एलाइल कार्बोकैटायन नीचे बेंजाइल कार्बोकैटायन, रेजोनेंस शो करो जल्दी से। हो गया हो गया सर। हाँ सबने कर लिए? यस सर यस सर। पहला केस, पहले केस में पॉजिटिव चार्ज जो है उसी के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पॉजिटिव मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, एक ही एरो शो होगा जब पॉजिटिव चार्ज आते, प्लस आ गया, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सी एच टू, समझ आया कि नहीं? और ये रेजोनेंस हाइब्रिड, देखो समझ आ गया कि नहीं? ये सर सर जैसे एक और चीज पूछनी, जैसे अगर हमें दो स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करना है, तो अगर एक सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और एक सर न्यूट्रल है, तो सर हम किसको देखेंगे, मतलब कौन ज्यादा स्टेबल होगा? मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है वो सर उसकी मतलब कंप्लीट हो गया वो, अगर लेकिन कंप्लीट हो गया, हाँ सर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, रजत हाँ, नहीं रजत हो सकता है वो जरा से बोलो, लेकिन एग्जांपल दे के प्रूव होगा, ऐसे नहीं प्रूव होगा सर। जैसे मतलब स्टेबिलिटी में सबसे ऊपर सर मतलब जो उसका ऑक्टेट है वो कंप्लीट होना चाहिए या फिर सर न्यूट्रल? रजत मेरी बात सुन, पहले न्यूट्रल होना चाहिए अगर ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर ऑक्टेट कंप्लीट वाला जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। ये रजत तू आगे का पूछ रहा सारा, बाकी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा उसे। सही रजत? यस सर। अच्छा नेक्स्ट नोट करना है, अब एक मैंने बता दिया स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर है बेंजाइल कार्बोकैटायन का, दूसरा स्ट्रक्चर किसका है, बेंजाइल कार्बोकैटायन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, एक ही एरो शो होगा जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहां पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया, फिर ये कह रहा हूं रिंग में हमेशा चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, हमेशा ऑर्थो या पैरा पे ही आएगा,
फिर एक ही डायरेक्शन चल रही है एरो की, ये आ गया स्ट्रक्चर बेंजाइल कार्बोनेट है। देखो समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। यस सर। तो ये फोर्थ टाइप की कंजुगेशन थी। पहली कंजुगेशन कौन सी थी? पाई पाई। दूसरी कौन सी थी? पाई लोन पेयर। तीसरी पाई नेगेटिव लोन पेयर। फिर फोर्थ है पाई पॉजिटिव और लास्ट आप करेंगे पाई रेडिकल। सही ना? पाई रेडिकल कंजुगेशन, पाई रेडिकल, पाई बॉन्ड और रेडिकल अगर कंजुगेशन में आ जाएंगे तो रेजोनेंस होगी। जैसे ये रेडिकल मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, जैसे Cl2 टूटा, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो Cl Cl बॉन्ड का एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ले गए, तो ये बन गया Cl रेडिकल। Cl रेडिकल, रेडिकल क्या है? एक ऑड इलेक्ट्रॉन है या एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक ऑड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ज्यादातर ये सनलाइट के प्रेजेंस में होगा ऐसा कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉन्ड आर इक्वली टेकन बाय बोथ द एटम। एक इलेक्ट्रॉन ये वाला Cl ले गया और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला Cl ले गया, हाफ फिश एरो से शो करते हैं इसको। तो रेडिकल बता दिया मैंने, अब ये पाई रेडिकल कंजुगेशन है। पाई रेडिकल कंजुगेशन बोलो क्या होगा इसमें? अब CH2 डबल बॉन्ड CH रेडिकल, सर पहले वाले से आ जाएगा सर, होमोजेनियस होएगा। हाँ, इसमें क्या होगा? अब इसमें होमोलेटर फिजन होगा, एक साइड एरो नहीं जाएंगे क्योंकि अब ये एक इलेक्ट्रॉन है तो इधर भी एक रेडिकल चाहिए, इसीलिए क्या होगा इसका? होमोलेटर फिजन। इस पाई बॉन्ड का होमोलेटर फिजन होगा ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और रेडिकल, रेडिकल क्या बन जाएगा? बॉन्ड, और ये रेडिकल आ गया। नहीं आया समझ? यस सर। और रेजोनेंस हाइब्रिड में भी तुम ऐसे दिखा सकते हो। अब ऐसे ही तुम इसको शो करना है बेंजाइल रेडिकल को। ये कर लोगे शो कि नहीं बेंजाइल रेडिकल? यस सर, हो जाएगा। सेम तरीके से करना है इसको भी, ये इलेक्ट्रॉन का इधर और इधर, रेडिकल रेडिकल बन जाएगा बॉन्ड। हो गया। यस सर। हाँ। ओ। ऐसे इधर, सेम ऐसे ही इधर, इधर दिखा दोगे ना पूरा? ये दिखा लोगे कि नहीं? निकालेंगे। यस सर। तो ये इस तरह से रेजोनेंस होती है ना, इस तरीके से रेजोनेंस होगी इसके अंदर। पाई रेडिकल कंजुगेशन इस तरीके से होगी। अब इसके अलावा दो स्पेशल केसेस हैं, पांच तरीके की बेसिक कंजुगेशन थी मैंने बता दी। दो स्पेशल केसेस हैं, डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग और पी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। ये भी बहुत बड़े टॉपिक है दोनों, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को मिला करके, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी मैं सिर्फ सिंपल सा एग्जांपल लूंगा जो ऑर्गेनिक में तुम अप्लाई कर सको। जैसे अगर ऐसे सोचना है, नेगेटिव चार्ज है, अब जैसे मैंने ये पूछा इसके अंदर सी एच टू माइनस सी एल, सी एच टू प्लस से सी एल, सी एच टू माइनस एफ, या सी एच टू माइनस ले लिया एन एच टू, सी एच टू प्लस एन एच टू। अब मैंने पूछा इसमें से किसमें रेजोनेंस होगी, किसमें नहीं होगी रेजोनेंस? इन चारों में से किसमें रेजोनेंस होगी? सेकंड और फोर्थ में। सेकंड और फोर्थ में होगी। कितने बार आंसर सर? रजत मतलब सेकंड और फोर्थ में रजत ने दिया आंसर, और किसको आंसर देना है? सेकंड और फोर्थ में ही होगी। सेकंड फोर्थ में और कोई? सेकंड और फर्स्ट, सेकंड फोर्थ सर, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। ये किसने बोला फर्स्ट सेकंड फोर्थ? सर शिवा। शिवा और कोई जिसमें बिल्कुल इफेक्टिव रेजोनेंस हो? चलो अब ध्यान देना सर, इसमें जो सबसे इफेक्टिव रेजोनेंस जो होगी ना वो होगी किसमें? फर्स्ट में और फोर्थ में। फर्स्ट में और फोर्थ में इफेक्टिव रेजोनेंस होगी।
देखो इधर नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ये रहा नेगेटिव चार्ज, और साथ वाले एटम के पास नेगेटिव चार्ज है अगर 2p में, और साथ वाले एटम के पास वो है वेकेंट d ऑर्बिटल्स कहाँ पे, वो भी 3d में, यही केस आ रहा है कि नहीं? नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो कहाँ पे, 2p में, और वेकेंट d ऑर्बिटल्स हो, और भी कंडीशन है इसके अंदर, अभी जो बता रहा हूँ उतना ध्यान रखो, नेगेटिव चार्ज हो और साथ वाले एटम के पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स हो तो इफेक्टिव रेजोनेंस होती है, और कहाँ पे हो 3d वाले, जैसे सी एच टू माइनस में br दे देता तो मैं कहता इन इफेक्टिव रेजोनेंस, नेगेटिव चार्ज और साथ वाले के पास d ऑर्बिटल, नेगेटिव चार्ज कहाँ हो 2p में, कार्बन क्या होता है 1s2 2s2 2p2, तो नेगेटिव चार्ज 2p में है, और वेकेंट d ऑर्बिटल 3d के कैसे आए, क्योंकि क्लोरीन क्या होता है लास्ट में 3p5 तो 3d 0 हो गया, तो 3d 0 में ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, आया समझ के नहीं है? यस सर इसलिए इसमें रेजोनेंस होगी, और वो रेजोनेंस होगी डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, समझ आया कि नहीं है? यस सर। अब पॉजिटिव चार्ज अगर है, पॉजिटिव चार्ज है और साथ वाले के पास लोन पेयर है, और ये दोनों 2p 2p के होने चाहिए, पॉजिटिव चार्ज 2p और लोन पेयर भी 2p, जबकि यहाँ लोन पेयर किसके पास है 3p, तो 2p π 3p π इतना इफेक्टिव नहीं है, 2p π 3p π इतना इफेक्टिव नहीं है, सही ना? अब जैसे ये देखो, इधर तो लोन पेयर ये भी है और लोन पेयर ये भी है, तो इसमें तो बिल्कुल नहीं होगी, तो प्लस आया और इसके बाद लोन पेयर आ गए, प्लस आया और इसके आ गए लोन पेयर, तो इसमें रेजोनेंस हो जाएगी ऐसे, ये भी है 2p और ये भी 2p, ये 2p π 2p π है, यानी p π p π रेजोनेंस है। ये दो एग्जांपल बहुत छोटी सी दी है, बहुत डिटेल में टॉपिक है, मतलब इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो 2-3 घंटे का काम है ये पूरा, जितना समझाया ना इतना समझ लोगे तो भी, और नहीं के कुछ ये 11 से पढ़ा होना चाहिए था तो भी क्वेश्चन कुछ निकल जाएंगे। सर बोल रहे थे सर, आपने सबसे ज्यादा इफेक्टिव किस में बताई थी? ये दोनों इफेक्टिव है, 2p π 2p π और 2p π 3d π। सर 2p और 3p वाली इफेक्टिव क्यों नहीं है? एनर्जी लेवल डिफरेंस है ना, तो सर वो तो 2p और 3d में भी है, लेकिन वेकेंट खाली जगह है ना, उसके पास खाली जगह है, तो 2p के इलेक्ट्रॉन 3d में जा सकते हैं, एनर्जी लेवल डिफरेंस सेम लेवल में ना हो, जैसे मैं अगर मैं कहूँ ना क्लोरोबेंजीन, तुम क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस शो करते हो ना, शो होती है रेजोनेंस की नहीं इसमें? यस सर, या विनाइल क्लोराइड में? यस सर, अभी रेजोनेंस शो की विनाइल क्लोराइड में, जबकि इसमें भी इनइफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव नहीं है, क्यों? क्योंकि क्लोरीन अपने लोन पेयर दे रहा है 3p लेवल से, और कार्बन का लेवल कौन सा है, जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन इधर ये इलेक्ट्रॉन इधर, लेवल कौन सा कार्बन का 2p, ऐसे ही सेम इसके के साथ भी होता है, ये इनइफेक्टिव है, इतनी इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं है ये क्लोरोबेंजीन में या विनाइल क्लोराइड में, नहीं हो रहा केस क्लियर? ये यस सर हो गया। Okay, so मतलब जो अगर P वाले हैं तो 2 और मतलब जैसे सेम वाले होने चाहिए, और अगर जैसे वेकेंट है तो उसमें कर सकते हैं, मतलब नहीं ये मत देखना, जैसे मेरी बात सुनो एक बार, ये ऐसे मत देखना, ये भी 2p है कार्बन वाला लेवल, ये भी 2p है और नाइट्रोजन भी 2p है, लेकिन इसमें तो दोनों के पास लोन पेयर है ना, ये भी लोन पेयर ये भी लोन पेयर, तो इसमें तो रेजोनेंस नहीं होगी, रिपल्शन होगी। यस सर, नहीं समझ मेरी बात? सर वो वेकेंट d ऑर्बिटल होना चाहिए। हां नहीं, इसमें नहीं होगी माइनस और लोन पेयर में नहीं होगी, ध्यान रखना चीज का। चलो एक एग्जांपल और लिख लो, जैसे लिया इसमें SiH3 होल थ्राइसन CH2 minus OH CH2 minus SH CH2 plus OH, CH2 plus SH। चलो एक दो एग्जांपल हो गया, बहुत सारी एग्जांपल बनती है इसकी, अभी मैंने जो लिया इसमें बताना, तो मैं किसमें रेजोनेंस होगी किसमें नहीं होगी इफेक्टिव वाली।
सर फोर्थ और फिफ्थ में होगी। किसने कहा आंसर? सर रजत। फोर्थ और फिफ्थ रजत का आंसर है और सुजल ने कहा सेकंड और फोर्थ में। सर सेकंड फोर्थ और फिफ्थ। सेकंड फोर्थ और फिफ्थ। एक मैं नंबर देता हूँ शो, अब तुम लोग नहीं सोच पा रहे हो, ये टाइम लगेगा इसमें। देखो सर, सबसे जो रेजोनेंस होगी इसके अंदर, एन के पास लोन पेयर, सिलिकन के पास वेकेंट डी ओर प्लस, रेजोनेंस हो जाएगी कि नहीं? ये ऐसे है ना, एन एस आई एस थ्री एस आई एस थ्री एस आई एस थ्री, एन के पास लोन पेयर, सिलिकन के पास वेकेंट डी ओर प्लस, दोनों डायरेक्टली अटैच है, ये टू पी और ये थ्री डी। नहीं समझ आई बात? Yes, तो इसमें होगी इफेक्टिव, इसमें नहीं होगी, इसलिए ये ज्यादा बेसिक स्ट्रॉन्गर बेस, ये वीकर बेस। इसमें नाइट्रोजन sp3 अमोनिया की तरह, इसमें नाइट्रोजन हो जाएगा sp2। ये बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, एप्लीकेशन रहने दो अभी। इसमें तो बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि ये भी लोन पेयर और ये भी लोन पेयर। समझ गया कि नहीं? ये इसमें हो जाएगी नेगेटिव, हमारा 2p में है और लोन पेयर हमारे 3d में, s के पास 3d वेकेंट, तो इसमें हो जाएगी d पाई b पाई। इस वाले में भी हो जाएगी, ये 2p में है प्लस और लोन पेयर ये आ गए 2p में, तो रेजोनेंस हो जाएगी। इसमें इनइफेक्टिव होगी, क्यों? क्योंकि प्लस तो हमारा 2p में है लेकिन लोन पेयर हमारे 3p में, इधर समझिए कि नहीं, तो इनइफेक्टिव इसमें हो जाएगी। तो फोर्थ में भी अच्छा, हो जाएगी ना? फोर्थ में हाँ हो जाएगी, मैंने मार्क कर दिया किस तीन में होगी। चलो अभी तुम्हें समझ आ गई बात की नहीं है? यस सर। इसके बहुत सारे एग्जांपल मैं देखता हूँ, लेकिन ये सब डिटेल में लेंगे तो फिर खत्म नहीं हो पाएगी और नहीं हमारी, ये जो हमें करना है खत्म। अच्छा एक चीज आप सुनेंगे, मैंने सॉलिड स्टेट का टेस्ट बोला था। यस सर। अभी मैंने ये करा दिया, थोड़ा सा मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया आज। अब एक बताओ कि कल तुम्हारा क्या स्कूल 8 बजे स्टार्ट होता है या 9 बजे स्टार्ट होता है, जो भी स्टार्ट होता है, बीच में कोई भी टाइम नहीं होता तुम्हारे पास? नो सर, नो सर, नहीं होता। अच्छा मेरे को जैसे 1 घंटे का टेस्ट लेना हो जैसे सॉलिड स्टेट का, सर फिर तो मैं सॉलिड स्टेट का रात को ले लो, बात रात को ले लो। बिल्कुल मैं तुम्हें कुछ ऐसा ना, जब मैं चाह रहा हूँ कि कल क्लास अगर मैं लेता हूँ 1 घंटे की, तो उसमें मैं वो टेस्ट डिस्कस कर दूँ, और तुम लोग बिल्कुल ऑनेस्टली बता दो कि किसने कितना किया है। तो मैंने तो कर रहा है सर, अच्छे से 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं सर। चलो ऐसा ना, 40 इयर्स आईआईटी के क्वेश्चन ढंग से किए हुए, अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन कब भेज दूं कि तुम कर लोगे, मैं तुम्हारा टेस्ट ले लूं कल। सर आप या तो असाइनमेंट भेज देना, हम खुद ही कर लेंगे, क्योंकि सर ऐसे तो कोई फायदा नहीं है टेस्ट।